फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ लाइफ मेस्मराइज से। फ्रेंड्स, ये ऑडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, और ये जो रिक्वेस्ट है वो इनसोमनिया के पेशेंट्स के लिए है। जो भी जिनको भी ये प्रॉब्लम है इनसोमनिया की, वो उन लोगों को क्यों है, उसके पहले मैं रीजंस बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इट मीन्स आपके अंदर ये सारी थिंकिंग लेवल है या एनर्जीज हैं ऐसी कि जो आपको ये बीमारी की तरफ ले जा रही हैं। अगर आप बहुत ही इनसिक्योर फील करते हो अपने आप को लेकर या फ्यूचर को लेकर, और दूसरा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में, तीसरी चीज़ जब आप गिल्टी फील करते हो, चौथी चीज़ आपको हमेशा डर लगा रहता है कि पनिशमेंट ना मिल जाए, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई मीन्स एक फियर रहता है पनिशमेंट का। दूसरा, आपको चेंजेस चेंजेस से भी बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि चेंजेस हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। हमेशा अपने आप को ये बताइए कि अगर लाइफ में चेंज नहीं हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो आपको चेंजेस से डरना नहीं है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंसोमनिया के जो पेशेंट्स होते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम है, वो कोई भी चीज़ को लेट गो नहीं करते, हर चीज़ को पकड़ के रखते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड की हो या किसी ने मजाक में भी कर दिया हो, कुछ भी कह दिया हो, वो उसको लेट गो करना नहीं चाहते, जिनकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और लास्ट चीज़ ये है कि वो अपने आप को भी माफ़ नहीं करते और दूसरों को भी माफ़ नहीं करते। फ्रेंड्स, जो लोग माफ़ कर पाते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो लोग माफ़ नहीं कर पाते, वो बहुत वीक होते हैं। तो हमें अपने आप को वीक नहीं करना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है। और हमें सबको माफ़ इसलिए नहीं करना है, या उन लोगों को माफ़ इसलिए नहीं करना है कि उन्होंने हमें हर्ट किया या हमारी लाइफ स्पॉइल कर दी या कुछ भी है, हम इसलिए उनको फॉरगिव करते हैं क्योंकि हमें एक इंटरनल पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, इमोशनल पीस चाहिए। आप उनकी गलतियों के लिए उनको फॉरगिव नहीं कर रहे हो, बट अपने लिए उनको फॉरगिव कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, और हमेशा ये जताइए कि हमेशा ये ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपसे वैसी गलती ना हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इंसोमनिया के ऊपर काबू पाना है या फिर आपको हील करना है परमानेंटली, तो आपको ये सब चीज़ों पे फोकस करना होगा, चेंज करना होगा ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपको हाईलाइट करके बताई हैं। और फिर आपको कौन से चक्रास पे वर्क करना है वो मैं बताना चाहती हूँ। हमारे हार्ट चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि अगर आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क करोगे तो आप फियर आपको फियर नहीं रहेगा। फिर आपके फिफ्थ चक्र पे यानी थ्रोट थ्रोट चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि अगर जब आप थ्रोट चक्र पे वर्क करते हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी एनलाइट होती है, अवेयरनेस बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिर आता है सिक्स्थ चक्र, हमारा थर्ड आई। तो हमें ये तीनों चक्रास पे वर्क करना है, और डेली आप इस तीनों चक्रास का बीज मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फोर्थ यानी कि जो हार्ट चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है वो है यम यम, ऐसे करके आप चैंट कर सकते हो। जो हमारा थ्रोट चक्र है, उसका भी एक बीज मंत्र है, वो है हम। और जो हमारी थर्ड आई है, उसका चक्र है ओम। सो फ्रेंड्स, ये आप 21 बार कीजिए, हर एक चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे 21 बार उसका बीज मंत्र चैंट कीजिए, फिर अपने थ्रोट चक्र पे कीजिए 21 बार, फिर अपनी थर्ड आई पे कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस पे वर्क करना शुरू कर दोगे डेली, तो आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और परमानेंटली ये आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, आप दिन के 15 मिनट या आधा घंटा अपने आप को दे ही सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और फॉरगिवनेस करना सीखिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन आप धीरे धीरे कीजिए या फिर आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बार बार। बेटर है कि आप चैंट करें, क्योंकि जब हम मंत्र चैंट करते हैं बीज मंत्र, तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाइए अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे दिया है, और आप ये इतना कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए। अगर आपको ये मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल लाइफ मेस्मराइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट। आप ऐसे ही मुझे सजेशंस भेजते रहिए, मैं आप लोगों के लिए वर्क करती रहूँगी। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।